और वे एक सुंदर दिन प्रभु ने हमें उसका पवित्र वचन में लेकर आया। आज तक प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु संभाला इसलिए हम पहुंचे हैं। रोज रोज प्रभु हमें संभालता है, लेकिन बहुत लोग उसका महत्व को नहीं समझता। रोज प्रभु हमें संभालता है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ और भी एक दिन मिल करके प्रभु के नाम को ऊंचा करने के लिए देश में प्रभु ने कृपा दिया है ना। हमारा प्रभु सच्चा है और उसका वजन भी सत्य है। वो वजन का खूबी क्या है मालूम है? जब नीरी वजन उसका 30:5-6 नीरी वजन उसका 30:5-6 वजन का खूबी क्या है? एक एक वजन ताया हुआ है और देखा वह उसका शरणागतों का ढाल ठहरा है। हाँ देखो इस भजन में अगर अपनी तरफ से कुछ बढ़ाएगा तो क्या होगा? ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। देखा इसका मतलब, मतलब प्रभु का वजन के साथ हमें कैसा व्यवहार होना, वजन को हमें कैसा समझना, वजन में लिखा हुआ बातों को इसलिए पढ़ने के समय में भी ठीक से पढ़ना। कई लोग पढ़ने के टाइम पर बहुत गलत पढ़ता है, जो गलत पढ़ेगा तो गलत समझेगा, उसका जीवन में गलत असर आएगा। प्रभु का वजन है, ताया हुआ वजन है, एकदम शुद्ध किया हुआ पवित्र वजन, बहुत बड़ी बात है भक्तों को। इसलिए 119-140 में दाविद गवाही देता है, क्या देता है मालूम है? ये वजन के प्रति दाविद का दिल की अवस्था, तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है इसलिए तेरा दास उसे प्रीति रखता है। देखा तेरा वचन पूरी रीति से ताया हुआ है इसलिए तेरे दास तेरे वचन से प्रीति रखता है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमारे जीवन में हमें प्रभु का वचन से अधिक प्रीति रखना। हम कितना प्रीति रखता है, कई जगह पर जाने के टाइम पर शाम के टाइम रहेगा तो भी लोगों को पूछता है वजन बढ़ा गया? नहीं अभी नहीं पढ़ा, फिर कब पढ़ेगा? सोने के टाइम ऐसे ही क्या, जिससे प्रीति रहता है उसको फल ढूंढता है। हमारे जीवन में पहला स्थान प्रभु को वचन को देना। ये जीवन की यात्रा में जो व्यक्ति प्रभु को पहला स्थान देता है तो वो वचन को भी पहला स्थान देगा। युवक का इतना अच्छा भक्ति का जीवन का कारण क्या था? है जब युव 23 उसका 12 उसके आज्ञा का पालन करके उसके आज्ञा का पालन करने से मैंने हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से अधिक काम के दान कर सुरक्षित रखे। दूसरा परिभाषा में बढ़ेगा तो अपनी भोजन से बढ़कर के, अपनी भोजन से बढ़कर के मैंने प्रभु का वचन को चाहा। देखा मतलब ये दुनिया में लोग ज्यादा से ज्यादा संतुष्ट होने वाले बात तो भोजन बात है, खाना पीना, लेकिन यो बोलता है मैं उसे भी बढ़ करके मैं प्रभु का वचन को मैंने चाहा, प्रभु का वचन को सम्मान किया। प्रियो हमारे जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम कितना अधिक प्रभु का वचन को सम्मान करता है उसके अनुसार हमारा एक सच्चा भक्ति के जीवन रहेगा, है ना। आज प्रभु का वचन हम खाने वाला अनुभव है क्या? जब वजन खाएगा तो जर्मिया 15:16 में जर्मिया क्या बोलता? देखा बहुत बड़ी बात है भैया, है ना। जर्मिया 15:16 वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष, तेरा प्रभु का वजन मेरा मन का हर्ष और आनंद का कारण हुए, आनंद का कारण हुआ। देखो प्रभु का वजन मेरा मन का हर्ष और आनंद का कारण हुआ। हमारे जीवन में प्रभु का वजन के प्रति हमारा भूख प्यास हमें रोज परखना पड़े। प्रभु का वजन के प्रति भूख प्यास अगर नष्ट हो गया तो हमारा आत्मीय जीवन बुझ गया, गया हो काम से, है ना। आज कई बार लोग हम पूछेगा प्रभु में आकर कितना साल हो गया? 15 हो गया। कितने बार बाइबल पढ़ा? उसका उत्तर नहीं, उसका उत्तर नहीं, मतलब वजन को ठीक से पढ़ा नहीं, वजन को एक व्यवस्था भी रीति में नहीं पड़ा, इसलिए उनको बोलने के लिए नहीं आता। इतना दुखदायक बात है प्रिय, है ना। प्रभु का वचन है ना, प्रभु हर बात में वजन छोड़ देगा, प्रभु छोड़ देगा, वजन को थामा रहेगा तो
जब प्रकाशित वाक्य में भी प्रभु ने क्या बोला, हाँ उसका 3:10 तूने मेरे धीरज के वचन को थामा गए, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। देखा, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, उसको तुम पकड़ा रहा, इसलिए मैं भी तुमको प्रतिकूल अवस्था में पकड़ेगा, थामा रहेगा। यही तो वायदा है प्रियो। इसलिए जब भी हम प्रभु की उपस्थिति में आता है, उस समय में जो वजन प्रभु हमारे लिए भेजता है, वो वजन को भी थामा रहना। सिर्फ वो वजन को नहीं, हमारे जीवन में हर समय हमें वजन पढ़ाई करता है, तो वो वजन को भी हमें थामा रहना है ना। जब भी हम वजन सुनता है उसको भूलना नहीं, वजन सुनता है उसको हमें मतलब हल्का नहीं लेना चाहिए, तो ये परमेश्वर का वजन है। परमेश्वर का वजन का कितना महत्व है, मैं आपको बोलता हूँ। आज एक एक लोग हमारे जीवन में एक हरा हुआ जीवन क्यों मिलाता है, हैं ये वजन में बहना नहीं देता, वजन में बहना नहीं देता। आपको मालूम है जरूर हर एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा होता है ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं परीक्षा नहीं होता। जब याकोब 12 उसका 12 में याकोब देखा, जो परीक्षा में जो है परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में पड़ जाता ऐसे नहीं, परीक्षा में स्थिर रहता। देखो प्रियो, हमारे जीवन में आने वाला परीक्षाओं में हम लोग बना रह पाता है क्या, या उसको पार कर पाता है क्या? आज बहुत लोगों का चेहरे में आनंद क्यों नहीं मालूम है, तो लोगों का चेहरा देखते मालूम पड़ता है कि वो एक हरा हुआ जीवन बिता रहे हैं। एक विजयी जीवन बिताने वालों का चेहरा कैसे रहेगा? अरे कम से कम फर्स्ट क्लास में भी पास हुआ तो बोलेगा, सबको अपने से तो पूछो मत, बहुत चेहरे चमकेगा। क्या बात है, आज चेहरे इतने चमके और रिजल्ट आया, सब पे बल पास हो गए, नहीं एप्रे से सब पे एप्रे से। देखो वो बहुत ज्यादा चमकता है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी मसीह पे चलने वाला एप्रे से होना चाहिए, क्योंकि वो हर जगह में हमें जय के उत्सव के साथ ले चलता है, वहां पर हरे ही नहीं, परंतु प्रभु के द्वारा चलाए जाने वाला अनुभव चाहिए। परंतु क्या हो गया, कैसे भी अब पका फल बोलो, एक दूसरे को देखो, तो परीक्षा में फेल हो गया, परीक्षा में फेल हो गया तो दूसरे को देखेगा तो तू क्या बड़े को देखा, उसको गुस्सा आएगा, क्योंकि वो हंस नहीं पाता, उसको दूसरे को देख करके मैं फेल हो गया, तुमको अच्छा लगता क्या? ऐसे एक विरोधाभास, प्रियो हम फेल क्यों हुआ, प्रभु ने फेल किया क्या? नहीं, हम लोग जगह नहीं थे, हम लोग तैयार नहीं था, हम लोगों के जीवन में एक सच्चा तैयारी ना होने के कारण फेल हो गया। प्रियो हमारे आत्मिक जीवन में ये बात लेना कितना जरूरी बात है ना। हम लोग ये प्रार्थना में कम लोग क्यों आता है, सब फेलियर है, सब फेलियर है। प्रियो प्रार्थना में क्यों आएगा, प्रार्थना करने वाले लोग ही पास होगा। देखो एक ओरिजिनल मंडली का मतलब सामर्थ्य ताकत और गिनती देखना है तो फास्टिंग प्रेयर रखो, ओरिजिनल विश्वासी लोगों को देखना है तो फास्टिंग प्रेयर रखो। जो फास्टिंग प्रेयर में आता है वो अधिकतर ओरिजिनल रहेगा, उसमें भी डुप्लीकेट रहेगा वो बात अलग है, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहता हूं कि हमारे जीवन में परखना भी हो, प्रार्थना में लोग हमेशा कम देता, वो तो उनके जीवन में भी कमी रहता है, प्रार्थना का कमी हमें फेलियर हो जाएगा करेगा। जब मत्ती 26:41 में प्रभु ने क्या बोला, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखा, परीक्षा में ना पड़ने के लिए क्या करना चाहिए, जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। बोलेगा तो प्रभु की वजन में बना रहना और प्रार्थना में लगा रहना, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। आज बहुत से लोग ऐसे बातों में बहुत सुस्त हो जाता है। प्रियो आत्मीय जीवन में कभी सुस्ती नहीं, प्रभु में आने के बाद में कितना उत्साह के साथ दौड़ना चाहिए,
उल्सार सुबेरे उड़ने के सुबेरे से लेकर के प्रभु ने जगाया तो हमारे उल्सार आपको मालूम है जब निधि वजन 12 अध्याय उसका 27 वजन की आखिरी भाग में लिखा है उल्सार एक बड़ा धन्य क्या बोलता है उल्सार एक बड़ा धन्य मिल गया तो पढ़ो आलसी अहर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है कामकाजी लिखा वहां पर उल्सारी है उल्सार एक बहुत बड़ा धन्य है मतलब बहुत बड़ी बात है मराठी में कैसे लिखा पर उद्योग हा मनुष्य मूलवान धन है धन है देखा मतलब उल्सार मनुष्य का मूल्यवान धन है क्यों हमारे पास ये धन नहीं क्या हर बात में उल्साही है क्या है ना अधिकतर लोग छोटी छोटी बात में जल्दी निराश हो जाता कुड़कुड़ाने लगता देखो प्रभु परीक्षा का अनुमति क्यों देता क्योंकि हमारा ओरिजिनल अवस्था दिखाने के लिए हम क्या है ये बात को हमें समझाने के लिए प्रभु परीक्षा का अनुमति देता है ना कई बार लोग बोलते हैं ना मेरे को सब आता है कि नहीं परीक्षा जब आएगा तब मालूम पड़ता है तब मालूम पड़ता है इसको कुछ भी नहीं आता जीरो है हैं प्रभु इसराइल लोगों के बारे में क्या बोला था अनुवाद जो सवरण का किताब उसका 8 अध्याय उसका दूसरा वचन और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए देखा पहली बात वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके देखा तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या तेरा मन में क्या क्या है परीक्षा के समय में मन की बात बाहर आता है परीक्षा के समय में ओरिजिनल बात मन की बात बाहर आ जाता है कुड़कुड़ाने लगता है एक दूसरे का विरोध में बोलने लगता है ना ये करता वो करता ये सब मन में लोग छिपा कर रखता परीक्षा के समय में ये सब बाहर आ जाता देखा पर परीक्षा आएगा प्रियो हमारा मन की अवस्था हमारा ओरिजिनल अवस्था क्या है करके हमें समझाने के लिए हमारा प्रभु में हमारे जीवन कहां तक हुआ ये बात को समझाने के लिए हमारे जीवन में परीक्षा आएगा लोग परीक्षा से डरता है परीक्षा से डरने की जरूरत है क्या नहीं है ना अगर जो सही रीति में जीवन बिताएगा उनको कोई भी परीक्षा से डरने की जरूरत नहीं प्रियो हमको मालूम नहीं अभी कितना वक्त रह गया रोज हमारे जीवन में कई प्रकार का परीक्षा आएगा है ना वो परीक्षाओं में मैं हम लोग कांधक विजयी होकर के जी रहा है ये बात को हमें परखना चाहिए क्योंकि विजयी लोगों को प्रभु ने मुकुट वायदा किया है विजयी लोगों को ही प्रभु ने मुकुट वायदा किया है वे रोज एक विजयी जीवन बिता पा रहा है कि नहीं फिर भी रोज हरा हुआ जीवन बिताता है और प्रभु के आगमन के दिन में विजय हो जाएगा ऐसे हो जाता है क्या नहीं वो अचानक होने वाली बात नहीं हमें रोज परखना है मैं एक विजय जीवन बिता पा रहा है कि नहीं प्रभु मुझ में आनंद दे कि नहीं ये बात बड़ी बड़ी बात है प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ आज भी प्रभु ने प्रभु के पवित्र उपस्थिति में प्रभु के वचन की द्वारा आलोचना आकर के और भी मसीह में सिद्ध होने के लिए प्रभु ने मौका दिया पिछले दिनों में हम लोग प्रार्थना का नियम देख रहा था आपको मालूम है प्रभु का वचन का नियमों में बना रहना हमारा कर्तव्य है क्योंकि हमारे प्रभु नियम का व्यवस्था का परमेश्वर है ना व्यवस्था है ना जब भजन संहिता उसका 44 का 17 भजन का बी पाठ हमारा जिम्मेवारी में हम लोग क्या गवाही देंगे ना तेरी वाचा के विषय में इधर बैठा हुआ हरेक लोग ये गवाही देना चाहिए प्रभु तूने जो भी वचन दिया है मैंने वो वचन का विश्वासघात नहीं किया मुझे जो भी वचन सिखाया प्रभु मैं उस भजन में बना रहा मैं उस भजनों में विश्वास योग्य रहा ऐसा एक गवाही हमारा चाहिए प्रभु है और हम प्रभु का भजन में बना नहीं रहता और भजन नहीं मानता तो अपन विश्वासघात ही बन जाता इसलिए मैं तेरा भजन को मैं कभी भी इनकारा नहीं मैं उस भजन में विश्वासघात नहीं किया ऐसे एक गवाही हमारे जीवन में जरूरी बात है आज हम लोग प्रार्थना का नियमों के बारे में हम लोग पिछला 2 हफ्ता से सीख रहा था मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ ये कितना अनमोल शरीर है
ये अनमोल बात है ना। अपने छह बातों को देखा, आप लोगों को याद है, आप लोगों का नोटबुक में पीछे पीछे जाएगा तो मिलेगा जरूर, है ना, क्योंकि ऐसे तो इतना याद नहीं रहेगा, लेकिन मानव आपका वजन में नोटबुक में जरूर रहेगा। तो यहाँ पर माना हमने पहले हमने ये बात को सीखा था, कबड्डियों के समान हम प्रार्थना ना करना, है ना, कबड्डियों के समान प्रार्थना नहीं करना। और दूसरा हमने ये देखा था, एक सच्चा पवित्रता के साथ, है ना, प्रार्थना करना। तीसरा हमने क्या देखा था, मानव एकदम व्यवस्था के अनुसार या बातों को ठीक करते हुए, है ना, हम लोग प्रार्थना करना। चारवा हमने देखा था, विश्वास के साथ प्रार्थना करना, विश्वास के साथ। पांचवी बात हमने देखा था, प्रभु की आज्ञा पालन करते हुए प्रार्थना करना, ये सारी बात आपको मालूम। और छठवा बात हमने देखा था, पूरा दिल से प्रार्थना करना, है ना, याद रखे मारा ना, छह बातें हमने देखा। आज हम उस आठवां बात को देखेगा, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा प्रार्थना में प्रभु जो व्यवस्था दिया है वो व्यवस्था सब जान करके उस व्यवस्था के अनुसार प्रार्थना करेगा तो प्रभु का दिल को कितना आनंद रहेगा, प्रभु कितना हमारे में आनंद देगा प्रियो, उसके लिए तो ये बात ये करना जरूरी बात है ना। तो सातवीं बात है, बहुत ध्यान से प्रार्थना करना, है ऐसे नहीं कई लोग बब करते रहता है, प्रभु जो बोलेगा सुनेगा ही नहीं, है वो प्रभु को सुनाने में लगा रहता, ऐसे नहीं करना प्रियो, हमें वो ध्यान से प्रार्थना करना। भजन भजन जो कहता है हमारा प्रार्थना में हमें ध्यान होना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। जब याकोब का पत्री पांच अध्याय का सोलह वचन पढ़ेंगे, याकोब पांच अध्याय का सोलह वचन, देखिए यहाँ पर ऐसा लिखा है कि मानव धर्मी जन की प्रभाव से, लेकिन मराठी में पढ़े है नीतिमाना की प्रार्थना कार्य करने फार प्रबल असते। हाँ, मतलब यहाँ पर एक शब्द आप लोगों को उसमें नहीं आया, मतलब धर्मी जन ध्यान से मतलब प्रार्थना करना, ध्यान से बाबर वो शब्द आपका इतना नहीं आया, तो बहुत बड़ी बात है। धर्मी जन जब प्रार्थना करता है, मराठी में से पढ़ना है लास्ट बार, हाँ, नीतिमानाची प्रार्थना कार्य करने फार प्रबल असते। हाँ, नीतिमान धर्मियों का प्रार्थना मतलब बहुत प्रभावशाली है, है प्रभावशाली है। और ये भी एक मतलब वो बात आएगा, आप प्रेरितों का बारह अध्याय का पांच वचन पढ़िए, प्रेरितों का बारह अध्याय का पांच वचन, बंदी गृह में पचास बंद था परंतु कलीसिया उसके लिए लव लगा, हाँ लव लगा करके, हाँ ध्यान वहां पर वो ये बात आया, लव लगा करके वो वहां पर भी धर्मियों का लव लगा कर प्रार्थना, ओ लव लगा करके मेरा अपनी मतलब परिभाषा में मैंने ध्यान बोला, लव लगा करके मतलब मराठी में कैसे, एकाग्रता ने वो और भी गहरा हो गया, एकाग्रता ने एकाग्रता से ध्यान दे करके एकाग्रता से मतलब प्रार्थना एकदम एकाग्रता से होना चाहिए। अभी कई लोग प्रार्थना करने के टाइम पर भी उनका मन कहीं और भाग रहा है, प्रार्थना कर रहा है पर उनका मन वो विषय में नहीं, ऐसे कभी कभी होता है ना, है प्रार्थना कर रहा है किसी के लिए पर उनका मन मानो उधर किचन में घूम रहा है, नहीं तो ऑफिस में घूम रहा है, ऐसा अवस्था होता है, वो एक एकाग्रता का प्रार्थना नहीं। एकाग्रता का प्रार्थना बोलेगा तो जिस विषय पर हम प्रार्थना कर रहे हैं उसी में पूरा मन लगा करके प्रार्थना करना, बहुत बड़ी बात है। कई बार लोग मानो प्रार्थना करने के टाइम पर भी उनका मन बहुत रहता है, वहां पर वो एकाग्रता नहीं, एकाग्रता नहीं है ना, ध्यान नहीं, मैं क्या प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना करने के बाद भी उसको पूछो क्या प्रार्थना किया उसको मन में, फिर क्या प्रार्थना, और उस पर ध्यान नहीं था, क्या क्या बात बोल के प्रार्थना किया उसको भी मन नहीं,
प्रियो हमारा प्रार्थना कैसा प्रार्थना है, हम ध्यान करके प्रार्थना करता है कि नहीं, क्योंकि हम महान प्रभु के साथ बातें कर रहे हैं। प्रभु के साथ बात करने के समय में कितना एकाग्रता से बात करना चाहिए, और एकाग्रता से बात नहीं करेगा तो फिर हम दोषी ठहरेगा। तो हम प्रभु के साथ ना एक बात, जब प्रभु से बात करता है तो उसी बात को ही छाया। अभी जैसा अभी मानव 27 भजन संहिता के 4 भजन में मानव दाविद एक बात बड़े एकाग्रता से मांगा, देखा उसी का यत्न में बोलने का मतलब, मैं जो मांगा है वही बात पर मैं मैंने लगा रहता हूँ। वो क्या बात है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूँ और उसके मंदिर में ध्यान किया करूँ। देखा मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि अभी यहाँ पर दाविद को जो वो मांग रहा है उसका मन भी वही बात पर है, वो दिल लगा करके या मन लगा करके प्रभु से मांग रहे हैं। भैया हम लोग थोड़ा सा फर्क नहीं कर, मैं वास्तव में जो भी मांगता है मैं उसी बात पर मेरा मन नहीं किया, पर ऐसा नहीं है तो हमारा प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मतलब एक पट्टी के रूप का प्रार्थना हो गया। उनका मन में उनका निर्णय है ये प्रार्थना सुनी नहीं जाएगा, फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब वो भी एक धोखा है। हमको जिस बात पर हम प्रार्थना कर रहे हैं उस पर हम मन लगाया है क्या? एकाग्रता से हम प्रार्थना करते हैं क्या? ये एक बड़ा व्यवस्था है। हम लोग अपना प्रार्थना को करेगा तो उसमें आया हुआ कम्युनिटी हमको प्रभु दिखाएगा। ओके, तो आठवीं बात क्या है कि आठवीं बात मतलब हम एक मन होकर के प्रार्थना करना, क्या करना? एक मन। ये सब पॉइंट आपको जरूर, अभी आप लोग देखो मतलब कई बार दो लोग भी प्रार्थना करता है तो उसमें एक मन नहीं, लेकिन प्रभु का वचन में एक मन होकर के प्रार्थना करने के बारे में बहुत बड़ा जोर दिया हुआ है ना। जब मत्ती की सुसमाचार उसका 18 अध्याय 19 वचन, मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। देखा आज बहुत बार लोग बहुत बड़े बड़े भीड़ भी इकट्ठा होते हैं प्रार्थना करते हैं पर जो सुना ही नहीं देता, मतलब वो सुनी नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि एक मन नहीं है। इसलिए अपन आखिर में भी दो दो या तीन तीन लोग या चार चार लोग एक छोटा झुंड बना करके उसमें अगर वो लोग एक मन नहीं है तो कई बार कई लोगों के साथ मिलकर के प्रार्थना नहीं करना चाहता और गलती से प्रभु का दास उनके साथ प्रार्थना करने के लिए नीचे कर देता है, फिर उनको ऐसा एक बड़ा स्ट्रगल हो जाता है, अरे आज क्या करूं मुसीबत इसके साथ अभी प्रार्थना करना पड़ रहा है। वो एक्चुअली नहीं प्रार्थना करना चाह रहे, ऐसे लोगों के साथ ऐसा एक मन होना बहुत जरूरी बात है, हमें एक मन होना। कई लोग इसलिए जिसके साथ अच्छा जमता है उसके पास ही बैठेगा क्योंकि नंबर आ जाए। देखो ये सब बात हमारे लोगों में है, तकरीबन बहुत लोगों में कई लोगों से उनका हमारा मन ज्यादा लगता नहीं, थोड़ा इतना सब अच्छा मेल मिला भी नहीं तो वो सोचता है ऐसा अपने देखा ना। कई बार कई लोग जाके बैठता है तो भी वो देखता है नहीं उसके पास नहीं बैठता, चलो इसके पास बैठते हैं, मतलब लोग थोड़ा चॉइस करता है। तो मैं एक बात आपको बताऊं प्रियो, प्रार्थना के समय में प्रभु का वचन कहता है, तो यीशु मसीह ने कहा यदि तुम दो भी जन, बहुत ज्यादा नहीं, दो जन भी अगर एक मन न होकर के प्रार्थना करें वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज बहुत बार मानो प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता, वो एक मन नहीं होता है। हम लोग देखना है, मैं इस लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है मैंने उनके प्रति मेरे दिल में कुछ है क्या है, ऐसे है तो थोड़ा मेल का करके प्रार्थना करेगा तो अच्छी बात है। सबके साथ मानो प्रार्थना होने से पहले एक बार थोड़ा अच्छी तरह हाथ मिला करके
हाथ मिला रहे, हमारा दिल मिला रहे हैं, हमारा दिल एक है। इस प्रकार एक अच्छा मेल होकर के प्रार्थना में जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। प्रयोग यहाँ पर भी एक मन होकर प्रार्थना, शुरुआत का मंडली का खूबी हुई था है ना, जब प्रेरित हो कहा उसका पहला अध्याय का 4 बजे प्रेरित हो, पहला अध्याय के 4 बजे देखा, एक चित या एक मन होकर के वो लोग प्रार्थना में लगे रहे। देखो बहुत बड़ी बात है, शुरुआत के पवित्र लोग वो एक मन होकर के प्रार्थना किया। उसी प्रेरितों में 4 अध्याय 24 वचन यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा। हाँ देखा, एक चित्त होकर के वे सब लोग एक चित्त होकर के प्रभु से कहा या मन प्रार्थना किया। बहुत बड़ी बात है, एक चित हो जाएगा उसका 31 भी पढ़िएगा 31। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया। हाँ देखा, वे एक चित होकर के जब प्रार्थना किया तो वहां पर क्या हो गया, वो स्थान हिल गया। देखा है, पर प्रभु का लोग एक चित होकर प्रार्थना करेगा तो वहां पर मतलब जगह में भी वो स्थान में भी कुछ हरकत हो जाएगा। क्या मतलब बड़ी बात है ना, प्रभु का महान कार्य प्रकट हो जाता है। इसका मतलब क्या है प्रियो, आज एक मन होना या एक चित होना बोलेगा तो बहुत कठिन समय है अभी है। कोई ना कोई बातों पर लोग एक दूसरे से नफरत कड़वाट दिल में रखता है, पर जो प्रियो प्रार्थना सुनने के लिए ये व्यवस्था बहुत अनिवार्य है हमारे जीवन में। अगर हम प्रार्थना बहुत किया पर जो हम लोग एक मन होकर के प्रार्थना नहीं किया तो उसमें कोई फायदा नहीं। अपना व्यक्तिगत प्रार्थना में अकेला है तभी भी वो प्रार्थना मन लगा करके होना चाहिए, प्रभु के और मन एकाग्र करके होना चाहिए। हर एक बातों का क्लियर व्यवस्था है ना, और हम जब अब्बा कहता है तो उसका उत्तर हम आत्मा में सुनना चाहिए, क्योंकि हमको सुनने में कोई डर लगता है क्या? कोई डर नहीं लगता, तुरंत प्रार्थना का उत्तर मिलता है। बहुत बड़ी बात है, इसलिए अकेले में भी है तो भी प्रभु के और मतलब मन को एकाग्र करके प्रार्थना करना चाहिए। अगर 2 जन या 2 से ज्यादा है वो एक मन हो जाना चाहिए, तब प्रभु ने वायदा दिया है वो प्रार्थना सुनी जाएगा। कितना बड़ी बात है ना, हम लोग मतलब ये सब एक पट्टी के रूप में नहीं करना चाहिए, ये सब प्रभु का महिमा होने के लिए ऐसा करना चाहिए। तो जरूर अभी भी आज थोड़ी देर में हम लोग मध्यम से प्रार्थना जब करेगा, जो भी आपस में है वो आपस में थोड़ा चेहरा मिलाना, एक अच्छा मतलब स्माइल करके शुरू करना है। स्वर्ग देखता है, अपन माना ये सब पट्टी के रूप में नहीं है, सबके साथ अच्छा मन के साथ अच्छा भावना में तो करना प्रयोग, क्योंकि हमको शायद ये बात हल्का लगता होगा लेकिन प्रभु का व्यवस्था को तोड़ना नहीं। ओके, तो और 9वीं बात मैं आज थोड़ा सा ज्यादा रमन से नहीं पढ़ता, ज्यादा ये नहीं, वो आज पूरा करना है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आ रहा हूँ। 9वीं बात लगातार प्रार्थना करना, क्या करना लगातार, 5 अध्याय 17 वचन निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। देखो ये एक बड़ी बात है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अभी उसके साथ कोलोसियम 4:2
पड़ोसियों चार का दो प्रार्थना में लगे रहो। उसके साथ दो तीन रेफरेंस पहले पढ़ा ही लेता हूँ। लूका उसका 18 अध्याय के 12 वचन इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना और यह न छोड़ना चाहिए दृष्टांत कहा। देखा, नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना, उसके लिए एक दृष्टांत यहाँ पर बोला। ऐसा प्रार्थना करने से मन क्या फायदा है करके यहाँ पर एक दृष्टांत बताया। आपको मालूम है ये जो प्रार्थना जो है ये लगातार मतलब वो प्रार्थना का हमें उत्तर मिलने तक का हमें प्रार्थना करना चाहिए। अभी यहाँ पर का विषय आपको मालूम है, मतलब उसका 7 वचन भी पढ़िएगा, 18 का 7। क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते? देखा, रात दिन दुहाई देते रहता, देखो लगातार प्रार्थना में रहता, रात दिन दुहाई देते रहता, देखो बहुत बड़ी बात है। प्रियो प्रभु को बचने में इन दिनों में हमें कितना अधिक प्रार्थना में लवलीन होना चाहिए। आप चलते फिरते सब आप प्रभु से प्रार्थना करते रहना। प्रियो हम एक एक खबर जब सुनता है या मतलब न्यूज सुनता है, अखबार में पढ़ता है, बाप रे क्या क्या वादा है, क्या क्या वादा है। प्रियो अभी कल का एक न्यूज में आया, एक लेडी ने दो बच्चों को जन्म दिया और दोनों को दबा कर मार दिया। देखो, दो बच्चों को जन्म दिया और दोनों को कलम कर दिया है। क्या है, एक माँ जन्म हो गया, बच्चे जन्म होने के बाद में दोनों को भी मतलब उनको सांस बंद करके मार दिया है। कैसा कठोर दिल है ना। ये सुनने के टाइम पर अब क्या करना चाहिए है, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु ऐसे लोगों को भी एक अच्छा दिल दे, उनका वो कठोर दिल भाव के कारण उनका दिल कितना कठोर हो गया है। अभी इंक्वायरी किया तो मालूम पड़ा वो शादीशुदा नहीं था, इसलिए उन्होंने मतलब अपना ये बचाने के लिए बच्चों को कलम कर दिया है। आप देखो और लोग क्या है, मतलब ऐसा वस्त्र बनता है इसको मालूम ही नहीं पड़ता था कि प्रेग्नेंट है ऐसा। आप देखो, लेकिन जो भी अभी जेल में है इतना भयंकर बात है। मेन बात क्या है ना, इसी प्रकार बहुत लोग इतना आजकल का न्यूज सुनेगा तो रोना ही आता है। इतना एक मतलब राजा परिवार का एक औरत, उनका 20 करोड़ रुपया का संपत्ति था, 20 करोड़ का। उसका बेटी ने कुछ झूठ मूठ बोल करके सब साइन करके उसने लूट लिया और उसको धक्का मार दिया माँ को। देखो बाकी उसका कोई नहीं, अभी अभी वो तो अभी भूखा। राज परिवार का है, राज कुटुंब का एक औरत का अवस्था, बेटी ने अभी उसको अकेल दिया। क्या हो रहा है ना दुनिया में, मतलब उनको पालन पोषण करके बढ़ाए हुआ माँ का कोई सम्मान नहीं, दुनिया कहां पर पहुंच गया। प्रियो क्या क्या सुनता है, थोड़ा थोड़ा जमीन के लिए भाई भाई को मार देता, या माँ बाप मतलब हमको अच्छा भाग नहीं दिया बोल के उनको कलम कर देता छोटा सा बात के लिए। मतलब ये सब क्रूर कृत्य बढ़ते जा रहे हैं। उस समय में हम लोग क्या करना चाहिए है ना, प्रभु ने हमको कितना अच्छा समझ दिया, प्रियो हमें प्रभु ने ऐसे बातों से प्रभु ने कैसे बचा लिया है। ये दुनिया दुनिया की बातों के लिए प्रभु के लोग कभी भी जगड़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो लोग बहुत आनंद से सह लेते हैं है। प्रभु के जय आनंद से सह लेता है क्योंकि उनका दर्शन पूरा आनंद काल का है। अरे एक प्रभु का जन है, मैंने देखा मैंने सुना है कि अपने बीच में भी एक भाई थोड़ा सा जमीन के लिए अपने भाई भाई के साथ बहुत झगड़ा हो गया। मैंने उनको बोला देखो आपके पास कितना है, आप छोटा सा बात के लिए क्या छोड़ देना उसको, ले लेना अपने भाई है ना, कोई बात नहीं है ना है। फिर भी वो छोड़ा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं पास में पता नहीं किया क्योंकि ऐसे बातों को पता करने का भी काम अपना नहीं, अपनी दुनिया की बातों के पीछे नहीं जाता भाई, अनंत काल की बातें सुनाता है। पर जो कितनी लोग प्रभु के लोग भी ऐसे छोटी छोटी बातों के कारण मानो हमेशा का दुश्मन बन जाता है।
कितना तो तुम्हारा बातें भी है। हमारे भी मेरे जीवन में ऐसी बात आया तो मैं हमारा कोई बात नहीं, आप लोग जो भी करना कर लो, मेरी नो कंप्लेंट, मैं कभी भी ऐसी बातों के पीछे नहीं आएगा। कभी भी मतलब हमारे जीवन में ऐसा एक दुश्मनी होने का खतरा रहता है ना, लेकिन दुनिया का कोई भी बात हमारे आत्मीय जीवन को नहीं टुकराना चाहिए। हमें कभी भी ऐसे बातों पर धोखा कभी नहीं खाना चाहिए ना, हम लोग इतना सावधान रहना चाहिए। हमारे आत्मीय जीवन में एक सच्चा मानव प्रार्थना मतलब लगातार प्रार्थना है, एक प्रार्थना जीवन रहेगा तो वो व्यक्ति ऐसे बातों में नहीं फंसेगा, नहीं फंसेगा। प्रभु ने वही लुका में और भी एक मानव निरंतर प्रार्थना करने के एक दृष्टांत दिया है, उसका माना 11 अध्याय का 5-8 लुका, उसका 11 अध्याय का 5-8 तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है उसका एक मित्र हो, और वह आधी रात को उसके पास जाकर उसे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास पिछड़ने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ यदि उसका मित्र होने पर भी उसने उत्तर न दे तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण, देखा लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितना आवश्यक हो उतना उत्तर देगा। देखा अभी वो तो 3 मांग रहा था, अभी वो बोलता है ओ, देखा यही है लगातार प्रार्थना करने का एक बहुत बड़ा फायदा। प्रिय मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम लोग कई बार क्या होता है मतलब हम एक छोटा प्रार्थना करता है और हमारा दिल की विचार क्या है, तुमको देना है तो दे दो, नहीं तो नहीं दो, मैं चलता हूँ, मेरे को ज्यादा प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है, मुझे ज्यादा प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं। मैंने मेरी आंखों में देखा हुआ एक संभव मैं आपको बताता हूँ, इधरी देवलाली में मैं पहले जब न्यू एक लेन में जब रहता था वहां पर एक भीख मांगने वाला औरत आया हमारे सामने की बिल्डिंग में, तो मैं उधर खिड़की के पास ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने उधर खिड़कराया मतलब वो खिड़कराने के बाद थोड़ी देर और एक बार खिड़कराया, इसके बाद में वो चल दिया तो वो शायद उसका आखिरी घर था, वो सीधा चला गया। अभी 2 मिनट के बाद में वो एक बर्तन भरकर के बहुत कुछ लेकर के आया, तब तक वो है ही नहीं, बाहर आकर के देखा है ही नहीं। देखा मैंने क्या है, वो मांगा और चला गया ना, कई बार प्रभु उत्तर लेकर के आने के टाइम पर हम मौसमी में नहीं मिलता प्रभु से उत्तर पाने के लिए वेट नहीं करता, हम लोग बहुत मतलब इमरजेंसी में है हमारा प्रार्थना सब शेड्यूल हमारा बहुत टाइट है, क्योंकि हमको समय नहीं है, प्रभु देना है तो जल्दी देने का ऐसा नहीं हुई। अभी आप देखिए, अभी एक मित्र के पास है, एक मित्र आया, उसको मालूम है मेरे मित्र के घर में रोटी है, उसको मालूम रोटी है, अभी वो जा करके कड़कड़ाया, वो क्या बोलता है, मित्र मेरे को 3 रोटी चाहिए, क्योंकि एक दोस्त मेरे घर में आ गया अचानक और हम लोग खाना खा करके सोने वाला था, तब तक ये आया, अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या बोलता है, अरे मेरे पास नहीं है, ऐसे नहीं बोला, अरे मेरे पास है, अरे मैं भी कहा करके हमारे पास भी नहीं है करके बोलने से नहीं रुक रहा था, पर उसने क्या बोला, अरे बच्चा मेरे साथ सोया हुआ है, अभी वो बाहर एक बोला बच्चा मेरे साथ सोया हुआ है। देखो आप देखिए, अभी उसका मालूम दोस्त को मालूम हो गया इसके पास है, रुकावट क्या है, बच्चा साथ में सोया है, उसने नहीं छोड़ा, उसने बोला नहीं मित्र मुझे तुझे उठ करके देना ही पड़ेगा, वो लेगा तार मांगते रहा है, तब वो एकदम गुस्सा से आया गया नहीं है ना, उसको मालूम पड़ गया कि मेरा दोस्त बहुत परेशान है, चलो वो उठ करके आकर के बोला दोस्त से वो क्यों नाराज होगा है, और बोलता है कि टोकरी से लाकर का 3 क्या तुम 30 लेते जाओ तुम 3 मत ले जाओ, तुमको जितना चाहिए ले जाओ, क्योंकि बहुत है इधर ही, हमारे प्रभु के पास बहुत है, वो हमारा अच्छा मित्र है ना, इसलिए मतलब
एफेसियम 3:20 में लिखा ना, हम मांगने से बढ़कर देने वाला, हम जो मांगते हैं उसे बढ़कर देने वाला है। कितना महान है हमारे प्रभु, है ना। देखो आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है, हम कैसा प्रार्थना करता है प्रभु, हमें अपने जीवन को परखना। कई बार हम कुछ प्रार्थना थोड़े समय करके हम छोड़ देते हैं, नहीं, हमें कई बार कई लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनका उद्धार के लिए प्रार्थना करता है, और जो प्रार्थना कुछ दिन मैंने एक हफ्ता किया उसके लिए, दो हफ्ता किया फिर छोड़ देते हैं, नहीं, आप जीवन भर उसके लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु ने जिसके प्रति आपके अंदर बोझ दिया है वो व्यक्ति का उद्धार होने तक उसके लिए प्रार्थना करते रहो। प्रभु भामर भी आपका धीरज को परखता है, आपका धीरज को परखता है। ये सब अनंतधाम में स्वर्ग में सम्मान पाने वाला एक महान मार्ग है, कितना बड़ी बात है ना। आज हमारा प्रार्थना कैसा है, हम जल्दी प्रार्थना में तक जाता है क्या, या प्रार्थना में लगे रहता है क्या ना। कई बार लोग एक घंटे का प्रार्थना में बार बार घड़ी देखता है, एक घंटा हुआ कि एक घंटा हुआ कि, क्योंकि एक घंटे का टेक लिया है। प्रियो वो प्रार्थना भी सच में प्रभु को खुश नहीं करता, क्योंकि वो बोझ के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। बोझ के साथ मीन्स प्रार्थना उनके लिए एक बोझ है, प्रार्थना उनके लिए एक बोझ बन गया। ऐसे नहीं करना प्रियो, मैं आपको बोलता हूं है ना, एक सच्चा प्रार्थना में जो चाहे वाला व्यक्ति वो उड़ने के लिए बोलेगा 3 घंटा हो गया, बाप रे मैं सोच 1 घंटा हो गया। देखा प्रभु के साथ बातें करने के लिए प्रभु को कितना बड़ा आनंद लगा, वो प्रार्थना में प्रभु के साथ बात करते हुए कितना खुशी लगा। बहुत बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, सच में जब हम प्रभु की आत्मा में प्रभु के साथ मानव एक मानव मन लग गया, फिर वो बातों में बहुत आनंद है। कितना भी देर प्रभु से बात करेगा तो भी थकेगा नहीं, वो मानव उनको आनंद बढ़ेगा, उनका खुशी बढ़ेगा, प्रभु के वचन से उड़ने का दिल नहीं आएगा। तो प्रभु का वचन कहता है हमारा प्रार्थना कैसे होना चाहिए, लगातार प्रार्थना होना चाहिए। देखो ये सब प्रार्थना का नियम है। अभी कई समय में अभी आप लगातार प्रार्थना करना चाहिए बोल के खाने के टाइम पर लगातार प्रार्थना नहीं करना। कई बार क्या होता, चलो प्रभु के दास ने सिखाया लगातार प्रार्थना करो, खाने के लिए प्रार्थना के लिए बैठ गया, खाने के लिए प्रार्थना लगातार करते रहेगा तो बाकी लोग कहा कर जाएगा, कहा करके निकल जाएगा। वो सब्ज के साथ हमको एक एक बातों का मतलब विषय या उसका मतलब बात को समझ करके करना चाहिए। प्रभु ने हमें अच्छा समझ के आत्मा दिया ना, और ऐसा समय में कम से कम शब्दों में बात करना चाहिए, ज्यादा नहीं तो प्रभु ये भोजन के लिए धन्यवाद, आपको महिमा हो, इतना एक धन्यवाद करके भी कहो, इतना में भी चलेगा, बहुत बड़ी बात है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अवस्था अवसर ये सब देख करके बहुत समझदारी के साथ कार्य करना चाहिए, है? तो प्रभु धन्यवाद। तो ओके, और दूसरी बात क्या मालूम है, अरे प्रार्थना में प्रभु का महिमा होना चाहिए, प्रभु का महिमा के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए। देखिए अभी जब आपको मालूम है पहले शामुएल का पहला अध्याय, हन्ना का प्रार्थना एक बहुत बड़ा एक एक मतलब गवाही है ना, उसका 11 वचन पढ़ना, पहला शमूएल उसका पहला अध्याय 11 वचन। और उसने यह मन्नत मानी, हाँ, ए सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे, और मेरी सुधि ले, और अपने दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाए। देखा प्रियो, अन्ना या अमर एक प्रार्थना मांग रहे प्रभु से, अन्ना का प्रार्थना वास्तव में किसके लिए है, प्रभु का महिमा के लिए है, प्रभु का महिमा के लिए। क्योंकि वो क्या मांग रहा है, अन्ना को एक पुत्र चाहिए, पुत्र क्यों चाहिए, वो प्रभु के लिए चाहिए। देखा है, क्योंकि अन्ना का मालूम है अभी एली और एली का संदार अभी प्रभु का रूट में नहीं,
और इसराइल में एक सच्चा याजक चाहिए। तो अन्ना ने निर्णय लिया, वो मुझे अगर प्रभु एक बेटा देगा तो मैं उसको प्रभु के लिए पालन पोषण करूंगा, मैं उसको प्रभु के लिए बढ़ाऊंगा। कितना अनमोल बात है प्रियो, कितना गहरा विचार है। कई बार क्या होता है ना, मतलब कई लोग प्रभु से मन्नत मांग लेता है या वाचा बांध लेता है, लेकिन मिलने के बाद में भूल जाता है, मिलने के बाद में भूल जाता है। ऐसा अन्ना ने नहीं किया। हमारा देश में लोग मतलब ये अंडा अंडा मुर्गी मतलब बच्चा होने के लिए रखता है, उस समय में क्या बोलता, अभी ऐसा कोई 21 अंडा कोई 23 अंडा इतना रखता है, बड़ा बड़ा मुर्गी है। तो क्या बोलता है, अगर 23 का 23 बाहर आ गया तो प्रभु 3 मतलब कोई ना कोई संत का नाम रहेगा। उधर तो वो संतों से भी प्रार्थना करता है ना, मध्यस्थी प्रार्थना, 3 संतों को देगा। तो अभी मतलब पूरा का पूरा बाहर आ जाता है, 23 का 23 बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में फिर क्या होता, अभी इसको चराते चराते मतलब 2-3 को उगाव लेकर जाते हैं, बाकी 20 रह जाता, 3 को लेकर गया। तो क्या बोलता है, प्रभु तेरा तो तू पहले ले लिया, अभी जो है मेरा है। बात समझ में आया, मतलब प्रभु से वाचा बांध लेता है और जो प्रभु को देने के लिए तैयार नहीं। जो भी किसी कारण है, कोई मतलब उगावने नहीं, तो दूसरा होता है ना वो चिड़िया, वो लेकर कौवा भी लेकर जाता है बचपन में, तो होता है तेरा तो पहले ही ले लिया है, बाकी जो है मेरा है। देखो कितना बड़ा स्वार्थता है। अरे तो यहां पर हन्ना ने प्रार्थना किया, हन्ना का प्रार्थना प्रभु सुना, प्रभु ने उसको एक बेटा दिया। अभी एक ही बेटा मिला तो चलो प्रभु एक ही बेटा, चलो और एक दे दो, मैं उसको तेरे लिए दूंगा, नहीं तो एक और दे दो, उस समय में मैं इसको मतलब तेरे लिए दूंगा, ऐसा कुछ बोला नो। प्रियो एक बात है, हम प्रभु के साथ जब भी वजन देता है वो वजन पूरा करना हमारे कर्तव्य है, ऐसे नहीं करता वो बहुत बड़ा पाप है, है? बहुत बड़ा पाप है। अभी यहां पर हम क्या देखता है, अन्ना ने वैसा ही किया, उसका 27-28 वजन पढ़ना। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंहमांगा वर दिया है, इसलिए मैं ये भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ, यह अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। ओ देखा भी है, देखा इतना बड़ी बात है। अन्ना उस बालक को मतलब उसको पालन पोषण करके जैसा थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी अन्ना ने अपने वजन के अनुसार उन्होंने मंदिर में ला करके वहां पर याजक एली के पास जाकर सौंप दिया। देखा कितना विश्वासी की बात है, हमारा प्रार्थना प्रभु को प्रसन्न करने वाला प्रार्थना है। तो अभी आप देखिए, इसलिए प्रभु के लिए प्रभु से मैंने शमूएल उस पद का अर्थ क्या है, माँ प्रभु से मांग कर पाया। हमारे पास कोई शमूएल है, हमारे पास कोई शमूएल है, हमने जो प्रभु से मांग करके पाया। हमारे पास है, हमने बहुत से बात मैंने प्रभु से मांग करके पाया, ऐसा बात हमारे पास होना चाहिए। अभी देखिए, अभी शमूएल बालक को प्रभु के उपस्थिति में उसने सौंप दिया। तो प्रभु का प्रभु क्या बोलता है ना, जब पहला शमूएल दूसरा अध्याय का 30 वचन, उसका आखिरी भाग, पहला शमूएल दूसरा अध्याय का 30 वचन का आखिरी भाग, जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा। देखा बस उतना काफी हो गया, जो प्रभु की आदर करेगा प्रभु उसका आदर करेगा। अभी अन्ना ने क्या किया, प्रभु का आदर किया। देखो प्रभु प्रभु के लिए करने वाला कामों को भूलने के लिए आदर भी नहीं प्रियो। एक बात जानना, प्रभु हमारा हर एक बातों पर दृष्टि लगाए रहता है ना। प्रभु का कोई भी हमारा कोई भी काम प्रभु की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं,
जब इब्रानियों 6:10 वचन में एक क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए देखा। प्रभु के नाम के लिए करने वाला कोई भी काम प्रभु कभी नहीं भूलेगा। प्रियो, प्रभु अन्यायी नहीं। कितना सुंदर बात है। आप जो भी प्रभु के नाम में करता है प्रियो, वो भी मैं एक बात आपको बोलता हूं, कोई मजबूरी में नहीं करना प्रियो। ये सब बहुत आनंद से करना है, खुशी से करना है। प्रभु का कोई भी काम हम मजबूरी में नहीं करना। अभी जैसे अभी हम प्रार्थना में आया कैसे आया? और प्रार्थना में नहीं आएगा तो प्रभु का दास पूछेगा इसलिए आया, कोई फायदा नहीं। आपका आना व्यर्थ हो गया। प्रभु के प्रेम में विवेश होकर के अगर नहीं आया, प्रभु की महिमा चाहते हुए अगर नहीं आया, आज प्रभु की उपस्थिति में आना, आने से आपको कोई फायदा नहीं, आने से कोई फायदा नहीं है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं एक बात आपको ना हर एक बात होंगे कि नियम है, मतलब उदार पाए हुए लोगों को प्रभु का कोई भी काम करने में उनको आनंद होना चाहिए और हमें आनंद से करना है। आपको मालूम है यिर्मयाह 48:10 में क्या लिखा? जो यहोवा का काम है आनंद से करता है वो श्राप भी नहीं देगा। प्रभु का काम किया और जो कैसे किया? आनंद से किया या कुड़कुड़ाते हुए किया है, किसी के दबाव में किया? नो प्रियो, कभी भी ऐसे ना करे। प्रभु का जो भी काम है हमें बहुत उत्साह से करना है, बहुत आनंद से करना है, नहीं तो वो उल्टा श्रावित हो जाएगा। काम भी किया और श्राव भी लिया, कोई फायदा है नहीं। उसे कितना अच्छा था ना करना है, उसे कितना अच्छा था ना करना। प्रियो, हमारे जीवन में हर एक बातों में वो व्यवस्था नियम है। प्रभु का काम बहुत खुशी से करना और वो भी आनंद से करना और वो भी प्रेम में करना, और काम में प्रभु का प्रेम है ना। जैसा दूसरा कुरिन्थी 5:14 में लिखा है, दूसरा कुरिन्थी 5:14 में लिखा है, प्रभु का प्रेम मुझको विवेश करता। देखा, प्रभु का लोग हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु का प्रेम हमको विवेश करना, प्रभु का प्रेम विवेश करना। इसलिए जब पहला कुरिन्थी 13:3 में, पहला कुरिन्थी 13:3 में क्या लिखा? उसके आखिरी भाग में, जो प्रेम से नहीं करता उसका कुछ भी लाभ नहीं, जो प्रेम से नहीं करता उसे कुछ भी लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं। देखा है, वहां पर बताए हुए एक एक बातों को इतना त्याग करने का टाइम नहीं। एक बात आप कई कुछ करता है पर तू प्रेम भी नहीं किया, प्रभु के नाम पर किया। वहां बोलता है कि मतलब अपने शरीर को जलाने के लिए दिया, अपने सारे संपत्ति भी बांट दिया, पर तू कैसे नहीं किया? प्रेम ने नहीं किया, लोगों की तारीफ पाने के लिए। मैं भी एक वक्त था करके लोगों को बोलना चाहिए, क्या फायदा है, क्या फायदा है। कई लोग मतलब प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में मुझे प्रभु के लिए रक्त साक्षी होने की शायद उसका दिल में ऐसा भावना हो सकता है, लेकिन दूसरे प्रकार झगड़ा करके कोई ना कोई चाकू मार देता है, मर जाता है, फिर बोलता है कि वो रक्त साक्षी हो गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। प्रियो, ये सब लोगों का एक गलत भावना है। स्वर्ग हमारा काम को भरता है, प्रियो देखता है, तोलता है। दुनिया कैसे भी बोले ऐसा नहीं, हमेशा एक बात को जानना। मुझे मालूम है माला सोलापुर में एक माला सेवक का हत्या हुआ, और वो भाई माला मुसलमान भाईगण से आया, और पेपर में भी गुड न्यूज ऐसा पेपर में भी आया कि एक व्यक्ति और रक्तसाक्षी हुआ। एक्चुअली क्या हुआ, वो पॉलिटिक्स में था, उसके मतलब विरोध में बात आया तो पॉलिटिक्स का लोगों ने उसको मारा। प्रभु से वो काफी दूर था, लेकिन वो मतलब एक विश्वासी था ऐसा है। और सच्चाई क्या था है, हमारा जो कल्याण में वो इमतियाज मुल्क के एक भाई था, मतलब पास्टर उनका भाई है, तो मतलब बहुत भयंकर बात है। उन्होंने जो भी बात है मतलब पूरा कच्चा झूठ, ऐसा लोगों के बीच में ऐसा झूठ बोल करके
स्वर्ग में उसका आदर होगा क्या? नहीं होगा प्रियो, नहीं होगा प्रियो। में जो भी करना ना सच्चा दिल से ना एकदम मतलब प्रभु को आनंदित करते हुए। इसलिए पहला कुरिन्थियों 16:14 में भी क्या लिखा, तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो। प्रियो जो भी करना आप गीत गाता ना वो भी प्रभु का प्रेम में भरकर गाना है। अब जो भी प्रभु का प्रभु में आने के बाद में हम जो भी काम करेगा उसका जो सोर्स जो है वो प्रभु के प्रति प्रेम में होना चाहिए। प्रभु का प्रेम में मैं विवेश होकर कैसे करता हूं, जो भी करता है प्रभु के लिए और उसका महिमा के लिए होना चाहिए। कितना बड़ी बात है। अभी अन्ना ने अभी यहां पर जो किया प्रभु का महिमा के लिए किया, उसने देखा मेरा दासी मेरा सम्मान किया तो प्रभु बोला जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। तो प्रभु ने उसको क्या किया, उसका दूसरा अध्याय अरे शमूएल दूसरा अध्याय के 21 अध्याय देखा है प्रभु ने क्या किया, 5 बच्चों को दिया, 3 बेटा और 2 बेटियों को भी दिया। आप देखिए क्या बात है प्रियो, है प्रभु कितना बड़ा सम्मान किया है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं जो व्यक्ति सचमुच में प्रभु का महिमा के लिए अगर चाहेगा तो प्रभु उसका जीवन में महान कार्य करेगा, है ना। आपको मालूम है प्रार्थना जीवन हमेशा हमें दुगुना आशीष लेकर आता है। योग ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने किसका अवस्था बदला, योग का। मित्र को भी आशीष दिया लेकिन योग को दुगुना आशीष दिया है, योग को दुगुना आशीष। मैं आपको बताना चाहता हूं ये दुनिया में करने वाला प्रभु की सेवकाई में सबसे महान सेवकाई है प्रार्थना जीवन। ये गुप्त बात है परंतु उसका प्रतिबल स्वर्ग में बड़ा है, बहुत बड़ा प्रतिबल है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूं अपना प्रार्थना जीवन और भी बढ़ाओ, प्रार्थना में और भी लेवल इंडो। आज बहुत लोगों का जीवन का हर का कारण उनके जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन नहीं। एक बट्टी के रूप में 5 मिनट प्रार्थना करता है परंतु उनको प्रार्थना में लगा रहने वाला आदत नहीं है, प्रार्थना में मन लगाने वाला आदत नहीं, एक एकाग्र दिल के साथ वो प्रार्थना नहीं करता। ये सब हमारे कमी है। प्रार्थना का महत्व जानेगा तो मैं आपको हमारा प्रार्थना जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यीशु मसीह है। प्रेषित पौलुस से ये लोग सब प्रार्थना में एक बहुत बड़ा गवाही है। मैं एक बात बताने चाहता हूं, हम लोग एकदम आखिरी समय में आया हमारा प्रार्थना जीवन को पारे यहां पर मानो प्रार्थना का व्यवस्था का दसवा बात प्रभु का महिमा के लिए। बहुत बातें मैं उन सारे बातों में समय देकर के नहीं जाता, प्रार्थना में प्रभु का महिमा होना चाहिए। ओके 11वीं बात क्या है मालूम है, प्रार्थना में अगर आप सादा प्रार्थना से बढ़कर उपवास के साथ प्रार्थना करेगा तो उसका गुण ज्यादा है, उसका गुण ज्यादा है। मैं आपको बताना चाहता हूं जब 35 वजन संहिता का 13 वजन पढ़ना, 35 उसका 13 वजन, जब ये रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। देखा है, बहुत बड़ी बात है। मतलब लोगों के लिए प्रार्थना करने के टाइम पर उपवास के साथ प्रार्थना करने में बहुत मतलब उसका महत्व ज्यादा है, महत्व बहुत ज्यादा है। देखिए उपवास का प्रार्थना या मतलब आपको मालूम है उपवास सिर्फ भोजन छोड़ना खाना छोड़ना इतना ही नहीं है। अभी हमको मतलब प्रभु के साथ एक गहरा नाता में बाकी हरेक चिंता त्यज करके है प्रभु को खाने का उस विचार भावनाओं में, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं उपवास में, प्रभु का वचन। हमने थोड़ी देर पहले भी देखा यिर्मयाह ने प्रभु का वचन को खा लिया, खाता है।
दुनिया की रीति में उपवास में है, परंतु हम हाथ में खाना खा रहे उपवास में, बहुत बड़ी बात है ना। उपवास के साथ प्रभु ने बोला जो कोई प्यासा है मेरे पास आओ, है प्रभु से जीवन जल पीने के लिए, है प्रभु से जीवन की रोटी खाने के लिए हमें उपवास के साथ बैठना। क्या दाविद कहता है, वापस पढ़ रहा हूँ उस वचन को, जब ये रोगी थे तब तो मैं ताड़ पहने रहा और उपवास कर करके, उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। देखा कितना सुंदर वचन है, मतलब प्रार्थना का एक एक गहरी अवस्था है उपवास प्रार्थना। अपन मतलब उपवास प्रार्थना में बैठने के समय में हमारा बाहर का मनुष्य कमजोर बन सकता है, परंतु अंदर का मनुष्य में वो बल पाते जाएगा, बल पाते जाएगा। वही भजन संहिता में 69 का 10 भजन पढ़ना, स्तोत्र 69 का 10। जब मैं रोकर और उपवास करके तो पूछाता था तब उसने भी मेरी नाप भराई हुई। हाँ देखा इतना सुंदर बात है, मतलब उपवास के साथ का प्रार्थना कितना बड़ा कार्य करता है करके हम लोग देखता है। हम लोग कहा तक कई लोग सबेरे उपवास प्रार्थना में आने के से पहले ब्रेकफास्ट करके आता है, पेट भर करके आता है, इसलिए प्रार्थना में आकर के सो जाता है, नींद आता है। नहीं कोई बीमार लोगों के लिए बात अलग है, वो बीमारी के कारण गाता है वो बात अलग है, लेकिन जो बीमार नहीं है वो लोग भी खाने में कितना ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। प्रियो हमारे जीवन में उपवास के साथ का प्रार्थना है, जब हम उपवास के साथ प्रभु को गुस्से में बैठता है उसमें बहुत बड़ा आशीष होता है। कितने लोग ऐसे उपवास कर पाता है आपको मालूम है, जब वो फरीसी खड़ा होकर के प्रभु से बोला था, प्रभु मैं हफ्ता में दो बार, कितना बार, दो बार उपवास करता है, दो बार उपवास करता है। वो फरीसी की धार्मिकता अपने धार्मिकता से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, हाँ फरीसी का कम उनसे हमारा ज्यादा होना चाहिए, हाँ हमारा ज्यादा, क्योंकि प्रभु ने कहा जब मतलब मती 5 अध्याय का 20 वचन, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और परिशुद्ध की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओगे। देखा है स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी में रहने वाले लोग उपवास करने में पीछे। आप देखो ये तो मैंने तो नहीं बोला, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, शास्त्री और वरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर धार्मिकता नहीं होगा तो है ना, उन लोग मानव उपवास करने में बहुत तेज था है, और साथ ही साथ मानव मती 23 का 23 छोड़ दिया। देखो बहुत गंभीर बात है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है अभी उन लोग क्या है ना, उन लोग हर बात में व्यवस्था पालन करने में बहुत निपुण लोग था, लेकिन प्रभु के दृष्टि में मूल्यवान बातों को छोड़ देता था। हमें बात को जानना है, हमारे जीवन में हम किस रीति में स्वर्ग राज्य में जाने की तैयारी कर रहे, अपना तैयारी कैसा है, इसलिए नियम को सीखना जरूरी बात है ना। हम प्रभु के वचन को जानना कितना बड़ी बात है, वो उस दिन बोलेगा प्रभु मैं ये नहीं जानता था, नहीं जानता था बोलेगा तो फायदा है, मैं नहीं जानता था बोलेगा तो बच जाएगा। लेवी 5 अध्याय का 17 वचन बहुत गंभीर बात है, यदि कोई ऐसा काम करे तो उन कामों में से जिन्हें यहोवा ने मना किया है किसी काम को करे तो चाहे वो उसके अनजाने में हुआ हो तो भी वो दोषी।
आया? प्रभु मेरे को पढ़ना लिखना नहीं आता था, मैं स्कूल कभी गया नहीं, मैं अक्षर नहीं सीखा है, आपके वजन में ऐसे लिखा करके मुझे नहीं मालूम था, ऐसा बोलने से भेज जाएगा? नहीं भेजता, नहीं भेजता है। आपके आधार तो मैं गड़ा है, आपने किसी का खून किया, आप अनपढ़ आदमी है, तो आप कोर्ट में बोलेगा जज जी साहब मुझे मालूम नहीं था, मैं किसी को कदम करेगा तो मुझे वासी मिलेगा, चलो इसको मालूम नहीं था छोड़ दो, कोई यकी छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा है। ये देश में रहना है तो वो देश का नियम को जानना चाहिए, नियम को जानना चाहिए है ना। कई बार इंडिया से जाने वाले अमेरिका में जाने के टाइम पर कई बातों में फंस जाता है। बोलो क्या करते इधर का क्या लोग है, इधर लोग ये भी थोड़ा कब आ गया गाड़ी में बैठे बैठे बाहर दुखता है, अगला स्टॉप पर जाते हैं उसको पकड़ेगा, बाहर निकलो क्या बात है, तूने साइड में बैठ कर कैसे दुखा, उधर जाते ही पेनल्टी, सर मैं इंडिया से आया मेरे को मालूम नहीं था, नहीं अभी तो अमेरिका में है, तुमको इधर आने से पहले इधर का ये बातों को तुझे सीख करके आना था। नो एक्सक्यूज प्रियो, ऐसे नहीं गाड़ी पे बैठे बैठे कहना कहा सिर का बाहर फेंक दिया, इधर चलता ये इंडिया है इधर चलता पर तो अमेरिका में नहीं चलता, ओ उधर जहां पर भी कचरा डालने की जगह उधर ही जाकर डालना पड़ता है, नहीं सर नहीं तो फाइन ले लो उसका पनिशमेंट लो। तो प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु की वचन में मना किया वो कोई भी बात के बारे में अनजान होकर के भी क्यों ना वो गुना किया है तो भी वो अनजान था बोल करके माफी नहीं मिलेगा, उसका गुना का सजा उसको उड़ाना होगा। हाँ प्रिय हमारे जीवन में हरेक बातों में इसलिए प्रभु में आने के बाद में हमें क्या चाहिए, हमें शिक्षक पाना चाहिए, हमें प्रभु का वजन को जानना चाहिए, प्रभु के मार्ग के बारे में हमें अच्छा समझ रहना चाहिए, प्रभु का वजन का सच्चा शिक्षण पाना चाहिए, और नहीं पाया तो प्रभु के वजन को कभी भी ना कई जगह पर क्या होता है परिषद पौलुस उस समय में कहता है दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वजन, दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 17 वजन, हाँ देखो प्रियो बहुत जगह पर क्या होता है ना, बहुत लोगों को प्रभु का जन को मंडली का लोगों को मतलब प्रभु का वचन में क्या लिखा है मालूम नहीं, क्योंकि कई प्रभु का दास लोग क्या है सच्चाई खोल करके नहीं बोलता, और बोलेगा तो शायद वो लोग शायद मानेगा नहीं ऐसा सोचता है, कितना दुख भरा बात है। भीड़ को जमा करने के लिए बहुत छूट देता प्रियो, वो प्रभु का काम नहीं होता, वो प्रभु का मंडली नहीं होता है ना, एक सच्चा प्रभु का मंडली प्रभु का वचन में सही नेम डाल करके बनाना है, पर ऐसा नहीं है। अभी देखो अभी यीशु मसीह के पास भी आनंद जीवन पाने के लिए लोग आया, परंतु प्रभु ने उसको साफ साफ बताया है, क्योंकि प्रभु ने बोला ना दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकता करके यीशु मसीह ने सिखाया है ना, मतलब मत्ती 6:24 में, और वो बताने के बाद में एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आनंद जीवन पाने के लिए आया है, जब मरकोस 10 अध्याय उसका 17-22 तक का वचन पढ़ना, जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था, हाँ मरकोस 10 अध्याय उसका 17-22, हाँ सही बात है, पढ़ लो तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया हाँ। और उसके आगे घुटने टेककर उसे पूछा, हे उत्तम गुरु अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं केवल अर्थात एक परमेश्वर, तो आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उसने कहा, हे गुरु इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उसको
देखा यीशु ने उसके ऊपर दृष्टि करके उसे प्रेम किया और उसे कहा तुझ में एक बात की घटी है। हाँ देखा, बहुत कटी नहीं बोला, एक कमी। वो एक कमी वो दूर करने के लिए तैयार नहीं हुआ। आप देखो भैया, शायद आज भी भजन सुनने वालों में एक कमी होगा शायद, और वो प्रभु बोलता है तो प्रियो उसको भी दूर करने के लिए तैयार होना चाहिए। पर यहां पर हम देखता है प्रभु ने उसे प्रेम किया, वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु प्रेम करने वालों को ही प्रभु सब कुछ कॉल करके समझाता है। ये बड़ी बात है प्रियो। आज ये वजन सुनने वाले पवित्र लोगों को मैं भेजना चाहता हूँ, प्रभु हमको ज्यादा प्यार कर रहा है इसलिए प्रभु ऐसा बात कॉल कर समझा रहे। हो सकता है कई बात हमको नहीं पढ़ता होगा, हमको पढ़ता है नहीं पढ़ता वो नहीं, मतलब प्रभु जो बोल रहा है वो बात मानने के लिए हम तैयार है क्या। अभी ये व्यक्ति का जीवन में एक ही कमी है, दो कमी नहीं, एक ही कमी। तो प्रभु ने वो कमी बताया, हाँ प्रणाम, एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसे चेहरे पर उदासी छा गई। देखा, बहुत आनंद से आया था, खुशी से आया था। प्रभु के सामने मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ क्योंकि मैं उसका गिनती में वो बहुत धर्मी आदमी है और प्रभु ने भी वो बात को कबूल किया। लेकिन उसका एक कमी जब बजाया वो व्यक्ति का चेहरा उदास हो गया, वो दुखी हो गया, वो निराश हो गया। उसको प्रभु का बात स्वीकारने के लिए दिल नहीं हुआ, वो निराश होकर के चला गया। कारण कारण वो बहुत धनी था। देखा प्रियो, ये धन कितने लोगों को प्रभु से दूर किया। आज भी बहुत लोगों को प्रभु से बढ़कर के उनका प्रभु धन है। धन्य एक स्वामी है करके अभी मती